लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बड़वानी कलेक्टर ने धारा 144 के अंतर्गत भगोरिया हाट बाजार पर प्रतिबंध लगाया है, जिसके चलते अब जिले में कहीं भी भगोरिया हाट बाजार आयोजित नहीं किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए संगठनों द्वारा भगोरिया हाट पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की जा रही है, जिसे लेकर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशानुसार बड़वानी जिले से बड़ी संख्या में मजदूर पलायन कर रोजगार के लिए महाराष्ट्र और गुजरात जाते हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र की सीमा बड़वानी जिले से सटी हुई है और बड़ी संख्या में लोग भगोरिया हाट के लिए जिले में वापस आते हैं। इस वक्त महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और इसी के चलते यह प्रतिबंध लगाया गया है। अभी कुछ दिनों पहले ही शासन की ओर से निर्देश प्राप्त हुए थे कि महाराष्ट्र में कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से काफ़ी हमारे ज़िले में भी बॉर्डर वाले एरिया में हमने चेक पोस्ट भी लगाई थी। अभी महाराष्ट्र में केस ज़्यादा बढ़ने की संभावना और बढ़ती जा रही है। अभी इंदौर में भी कुछ पेशेंट महाराष्ट्र जो पहुँचे हैं उनमें UK स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। वो तेज़ी से फैलने वाला वायरस है। अभी हमारे ज़िले के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, ढेर सारे लोग अत्यधिक संख्या में बहुत तादाद में महाराष्ट्र गुजरात काम करने रोजगार में जाते हैं और भगोरिया पर लौट के आते हैं। मेरे संज्ञान में लाया गया है कि भगोरिया में यहाँ पर बहुतायत में लोग इकट्ठे होते हैं और यदि ऐसे जो लोग बाहर से आएंगे उनमें कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना ज़्यादा रहेगी और उनकी वजह से हमारे ज़िले में भी कोरोना बहुत ज़्यादा फैल सकता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा एक धारा 144 CRPC का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करके भगोरिया हाट को प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ साथ में ही जो आगामी महाशिवरात्रि पर जो जहाँ मंदिरों पर भीड़ होती है वहाँ पर भी कम लोग जाए, उसमें उस आदेश में भी ये भी उल्लेख किया हुआ है कि जिन जहाँ पर ज़्यादा 500 ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर SDM से अनुमति लें। इसके अलावा जो तोरणमार है महाराष्ट्र का हिल स्टेशन, वहाँ पर भी हमारे ज़िले से काफ़ी लोग बहुतायत में महाशिवरात्रि को जाते हैं। मेरे संज्ञान में ये भी लाया गया है क्योंकि यहाँ के लोग वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से लौट के आएंगे तो हमारे ज़िले में फिर से कोरोना की संभावना बढ़ेगी। तो मैंने तोरणमार पर भी इस ज़िले से लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध किया हुआ है और इसकी मैं मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि चूँकि कोरोना अभी हमारे बीच में है, कोरोना गया नहीं है, हमको बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हम लोग सभी सतर्क रहें और जो लोग बाहर से आते हैं वो अपने घर पे ही रहें और यदि घर पर रहेंगे तो वो स्वयं सुरक्षित रहेंगे, दूसरे लोग भी सुरक्षित रहेंगे। कोरोना से बचा भी उपाय है, इसलिए अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर ही निकलें और जहाँ तक कोशिश हो भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से बचें। इसके साथ ही आदेश में ये भी कहा गया है कि किसी भी स्थान पर किसी भी आयोजन में 500 से अधिक लोग यदि शामिल होते हैं तो उसके लिए SDM से अनुमति अनिवार्य होगी। MP News के लिए बड़वानी से तरुण जैमन की रिपोर्ट।